बात पूछती हूँ उसके बारे में जवाब दें। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे एक ऐसे जानवर का नाम बताइए जो हम घर पर रखते हैं। तो हम घर पर कौन से जानवर को रखते हैं ये मुझे कौन कौन बताने जा रहा है, मेरी क्लास में कौन कौन बता रहा है मुझे? हाँ बताओ, सारे बताओ। वेरी गुड, सबने बहुत अच्छे से बताया, सब बता रहे हैं। गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ये सब आप लोगों ने बताया। वेरी गुड, आप सब तो बहुत समझदार हो गए हैं। अच्छा चलो एक बात और बता दो, मैं कहती हूँ कि जिस जानवर की मैं बात कर रही हूँ वो जानवर हम घर पर अपनी घर की रखवाली के लिए रखते हैं, वो जानवर हमारे घर की रखवाली करता है। तो अब सोचो और बताओ ये कौन सा जानवर है। हाँ सोचो। शाबाश, बहुत अच्छा बताया। देखो रिया बता रही है कि वो कौन सा जानवर है, कुत्ता है। उसका नाम क्या है? कुत्ता है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉग। तो ये बिल्कुल सही बताया है रिया ने। क्लैपिंग करेंगे हम रिया के लिए। वेरी गुड रिया। तो आपने देखा रिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया। बेटा मुझे ये बताइए कि कुत्ता आवाज कैसे करता है? जब कुत्ता आवाज करता है तो क्या आवाज करता है? हाँ बिल्कुल सही बता रही है अजय ने। अजय बता रहा है कि वो भों भों करता है। हमने देखा है जब हम देखते हैं गली में कुत्ता आवाज करता है, कैसे करता है? भों भों करता है। अच्छा चलो आप बताओ टीना, बिल्ली कैसे करती है? अरे वाह भाई, बहुत अच्छा बताया टीना ने भी, बहुत बिल्कुल सही बताया। बिल्ली कैसे करती है? म्याऊं म्याऊं। तो ये सब आपके जो जानवर हैं इनके बारे में आपने जाना। तो ये सब इनके क्या है? आवाज है, जो ये आवाज करते हैं। कुत्ता भों भों करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, ये सब इनकी आवाज है। ऐसे ही हमारे जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक, इन सब की भी अपनी एक आवाज होती है। और इन अल्फाबेट की जो साउंड होती है, जो आवाज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोनिक साउंड। आइए आज हम इन सब अल्फाबेट की फोनिक साउंड सीखेंगे, कौन से की क्या होती है, और फिर इन साउंड का यूज करके हम कुछ एक स्पेलिंग भी बनाना सीखेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट के। यहाँ पर ए, ए की साउंड जो होती है, जो हम इसको बोलते हैं इससे जो वर्ड बनता है तब क्या बनेगा? ए, यानी इसका स्टार्टिंग वाला जो वर्ड बनेगा, जो लेटर बनेगा वो ए। बी से बे, सी से के, डी से डे, ई से ए, एफ से फे, जी से गे, एच से जे, आई से ई, जे से जे, के से के, एल से ले, एम से मैं, एन से ने, ओ से ओ, पी से पे, क्यू से क्वे, आर से रे, एस से से, टी से टे, यू से ए, वी से वे, W says W, X says X, Y says Y, Z says Z। ये सब इनकी साउंड है, फोनिक साउंड है। इसमें से अब हम जैसे मान लीजिए मैं आपको एक वर्ड बोलती हूँ फैन। फैन, ये मैंने फैन बोला है, ये मैंने इसकी स्पेलिंग लिखी। अब इसके अंदर हम देखते हैं आवाज के साथ हम कैसे लिख सकते हैं। हमें सुना फे ए ने, फैन हमें ये सुना। हम फे की आवाज देखेंगे कि कहाँ पर है। फे की आवाज हमारी एफ पर है। एफ लिख दिया, ए से ए आया, ने हमारा एन के लिए, तो हमने एन बनाया। ये हमारा फे, हमारा ये एक वर्ड हो गया। ये हमने इसकी साउंड के साथ बनाया। पहले मैंने वैसे भी लिखा, फिर हमने इसकी साउंड देखी और हमने इनको जोड़ा। ऐसे ही मान लीजिए हम करते हैं पिन। पिन, पिन, पै के लिए पी, ई के लिए हम जाएंगे आई। आई या कैपिटल में लिखना चाहिए, कैपिटल में लिख सकते हैं। एन, ने है एन, ये क्या बन गया? पिन। ऐसे ही आप मान लीजिए मैं बोलती हूँ हैं, है ए ने डे, हमने इसकी आवाज सुनी हैंड, है ए ने डे। अब हैंड की स्पेलिंग बनाते हैं, है की साउंड के साथ हम जाएंगे और देखेंगे कि कौन से इसके
कि हमारे हाथ किस तरीके से, आपने भी ऐसे अलग अलग वर्ड्स को लेना है, उनको जोड़ के देखना है और इनकी फोनिक साउंड से आपने उनकी स्पेलिंग बनानी है।